ये हम डिस्प्ले होल्ड कर लिए, इसको कहते हैं हम शेक एंड शेक, जिस तरह आप शेक एंड करते हैं शेक एंड लाइक ए बटन लाइक ए बटन वो बेसिक साधन का और है बच्चे बेटा पहले बताओ कि ग्रिप कितनी तरह की होती है सर जी बच्चे को कल यूज कर रहे हो हमारे सर के पहला सवाल ही ये होता है जो मेरे टाइम पर भी है ग्रेड कितने है मैं आपको दिखाता हूं बुनियादी तौर पे जो ग्रिप जो टेनिस में जो ग्रिप है ये पूरी साइंस है और किसी दुनिया के स्पोर्ट्स में इतनी ज्यादा वैरायटी वैरायटी नहीं है जिस तरीके से ब्रैकेट पकड़ा जाता है। मसलन जो ये बता रहे थे जो सिंपल शेक हैंड ग्रिप है हमने रैकेट को शेक हैंड किया ये ग्रिप पर आप इसको तकरीबन कोई आज से 40 साल पहले 45 साल पहले थोड़ा सा रेवोल्यूशन आया टेनिस में और ग्रिप थोड़ी सी जरा सी नीचे गई थोड़ी सी फिर और नीचे चली गई जब ये थोड़ी सी और नीचे चली गई तो दिस इज कॉल्ड सेमी वेस्टर्न ग्रिप। अब सेमी वेस्टर्न ग्रिप क्या है जब हम इसको यू ऊपर से यू पकड़ते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आई एम होल्डिंग माय रैकेट विद सेमी वेस्टर्न ग्रिप। सेमी वेस्टर्न ग्रिप अब सेमी जो फेडरर है फेडरर सेमी वेस्टर्न और शेक हैंड ग्रिप के दरमियान में उसकी ग्रिप थी आप अगर इसको मजीद हम नीचे चले जाते हैं इसको मजीद हम नीचे चले जाते हैं तो ये फुल वेस्टर्न इसको इसका नाम है फुल वेस्टर्न। अगर आप शेक एंड ड्रिप पकड़ते हैं और ये सारी ग्रिपें यूज होती है फोर एंड खेलने के लिए आप फोर एंड खेलने के लिए जो एक और ग्रिप थी कभी जो कि अब ऑब्सोलीट हो गई है जो पहले थी दैट वाज कॉल्ड कॉन्टिनेंटल ग्रिप। कॉन्टिनेंटल ग्रिप है आप शेक हैंड ग्रिप पकड़े पहले तो मैं हाथ को कर रहा था यूं नीचे की तरफ अगर मैं हाथ को थोड़ा सा ऊपर करूं तो ये कॉन्टिनेंटल ग्रिप। कॉन्टिनेंटल ग्रिप जो आज से तकरीबन कोई 60 साल पहले तकरीबन तो प्लेयर्स जो थे वो सारी टेनिस ही कॉन्टिनेंटल ग्रिप से खेलते थे मसलन पेस स्लो था बॉल का उसके बाद वेरिएशंस कम थी तो कॉन्टिनेंटल ग्रिप पकड़ी इसी से फोरहैंड इसी से बैकहैंड इसी से बॉडी इसी से स्मैश इसी से सर्व सर्व में थोड़ा सा चेंज आता था कि वो कॉन्टिनेंटल ग्रिप को थोड़ा सा वो हाथ को अंदर की तरफ मोड़ लेते थे व्हिच इज कॉल्ड ईस्टर्न बैकहैंड। लेकिन मेरे चैनल पे तो नहीं पड़ा होगा ना गोइंग क्विकली शेक हैंड ग्रिप कॉपीराइट से स्ट्राइक डाल दोगे आप फोरहैंड सेमी वेस्टर्न एंड शेक हैंड एस सेमी वेस्टर्न एस फुल वेस्टर्न ठीक है। आगे ये बड़ी लंबी ये है कि ग्रिप जो आपने ग्रिप पकड़ी हुई है उसके मुताबिक आपका स्टांस कैसे हो। टेनिस में आपकी इतला के लिए अर्ज है दुनिया में सबसे पहले टेनिस कोचिंग में कोच ने पैसा कमाया था क्योंकि ये कोच के बगैर आती नहीं है अनऑर्थोडॉक्स तरीके से जैसे क्रिकेट डेवलप हो जाती है और बहुत सारी चीजें ये नहीं हो सकती इसलिए कोच चूंकि जरूरत था इसलिए उसने अपनी शुरू कर दी।